अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। हमेशा की तरह मैं आज भी उम्मीद यही करती हूँ कि आपका वीकेंड जो है आप एंजॉय करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, प्लान्स होंगे, आउटिंग्स पे जाना है, और आजकल चूंकि शादियों का सीजन भी है तो उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग होती है। शादियों के हवाले से मुझे लग रहा है कि मेरा शादी वाला तैयार हूँ, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनाब, आज हम आपकी मुलाकात इन डिज़ाइनर से कराने वाले हैं जिनका मैंने भी जोड़ा पहना और जिनकी नई कलेक्शन भी आने वाली है, उनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे, लेकिन कुछ अगले घंटे में, यानी कि 10 से 11 के दरमियान है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम रिसर्चेस और इसके साथ साथ आपके साथ न्यूज स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं, तो न्यूज स्टोरी से पहले मैं रिसर्च आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। जनाब, टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इजाफा हो रहा है, और कभी आपने सोचा होगा कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वहाँ की जो विंडोज हैं वो टच स्क्रीन में बदल जाएं। जनाब, ऐसा भी मुमकिन है अब, और वो किस तरह से मुमकिन है कि इस गाड़ी का नाम जो रखा गया विंडो टू द वर्ल्ड, और इसकी गाड़ी के शीशे जो हैं वो टच स्क्रीन पर मुश्तमिल हैं, जिस पर बैठकर बच्चे ड्राइंग भी कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अगर आपको बाहर कोई चीज़ देखनी है तो आप जूम करके उसका जो विजन है वो बहुत क्लियर भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, और ये बाहर के जो मनाजिर हैं उनको बहुत बेहतरीन अंदाज में दिखाते भी, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विंडोज जो हैं ये टच स्क्रीन है, और बच्चे इसके साथ, अच्छा इसके साथ साथ जनाब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका ये है कि अगर आप रास्ते में मूव या ट्रेवल कर रहे हैं तो आप किसी चीज पर उंगली रखते हैं तो आपको बच्चों को उसका नाम और उसकी वजह जो है, मतलब क्या चीज है, जैसे ट्री बना हुआ है उसका नाम उनकी टच स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर वो रोड देख रहे हैं, कोई माउंटेन्स देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए इंटरेस्ट का ये सामान रखा गया है, और इस फीचर के तहत जो है मुख्तलिफ अशिया का गाड़ी से फासला भी मालूम किया जा सकता है। तो जनाब, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, और बच्चों के लिए एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे रास्ते में माँ बाप से सवाल कर रहे होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या चीज है, नजर नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो जनाब, विंडो टू द वर्ल्ड इस गाड़ी का नाम है, और इस गाड़ी को मुतारिफ करवा दिया गया है, और ये जो टच विंडो है स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा जनाब, आप दुनिया भर में क्राइम रेशो कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के अपनी फोर्सेस को जो कहने फैसिलिटेट किया जाता है, इक्विप्ड किया जाता है, तो दुबई पुलिस का ड्रोन या फ्लाइंग बाइक का जो कामयाब तजर्बा सामने आया है। दुबई में जराइम पेशा अफराद के लिए बचना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, और पुलिस ने उड़ने वाली बाइक का कामयाब तजर्बा भी कर लिया है। पुलिस के लिए हंगामी हालात से निपटने के लिए जदीद तरीन ड्रोन बाइक जनाब बनाई गई है, और इस बाइक को ओवरसर्व का नाम दिया गया। ये बाइक 5 मीटर बुलंदी पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, और अगर इसको एक मरतबा चार्ज कर लिया जाए तो ये 8 घंटे तक इस्तेमाल की जा सकती है। ड्रोन मोटरसाइकिल को रिमोट कंट्रोल की मदद से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और जनाब ये दुबई पुलिस ने इक्विप्ड किया है अपने पुलिस को, और ये देखें जनाब 500 मीटर की बुलंदी पर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। वाह, जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये तो मिनी हवाई जहाज हो गया। अच्छा जनाब, ये तो थी टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबरें, लेकिन अब चूंकि हम बात करते हैं तो अपने लेजेंड्स को जरूर याद करेंगे। आज माजी की नामवर गुलुकारा मेहनाज की 6ठी बरसी है जनाब। खूबसूरत आवाज की मालिक जिनका असल नाम कनीज फातिमा था, उनके हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, आपको वो दिखाते हैं। मेहनाज ने 1979 में रेडियो पाकिस्तान से गुलुकारी का आगाज किया। मौसीकी की तरबियत उस्ताद मेहदी हसन के बड़े भाई गुलाम कादिर से हासिल की। उन्होंने जो गीत गाया अमर हो गया। वो लेक्चरार बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें गुलुकारा बना दिया। मेहनाज ने गीत के साथ साथ गजल को भी मुनफरिद अंदाज में गाया। उनके गीत बहुत सी फिल्मों की कामयाबी का बाइस बने। मुझे ले चल, ले चल मुझे कहीं ले चल, यहाँ से दूर नवादियों में, जहाँ खुशबू हो, जहाँ नगमे हो। उन्होंने अमीर खुस
خسرو کا کلام چھاپ تلک سب چھین لی پڑھا تو دھوم مچ گئی. بتیاں عجب کہتی نیرے حسنینا, ہاں جی حسنینا, دیکھو جی حسنینا, ملائی کے چھاپ تلک سب چھین لی رے حسنینا ملائی کے. مہناز بیگم نے جن معروف فلموں کے لیے گیت گائے ان میں خوشبو بارات, آج اور کل, آئینہ اور بندش شامل ہیں. لہروں کی طرح تجھ کو بکھرنے نہیں دیں گے, مر جائیں گے لیکن تجھے مرنے نہیں دیں گے. جی جناب, مہناز بیگم کے حوالے سے ہم نے بتایا. جناب میں ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ انہوں نے 350 سے زائد فلموں کے لیے 500 سے زائد نغمات جو ہیں وہ ریکارڈ بھی کروائے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو حکومت پاکستان نے موسیقی کے شعبے میں صدارت تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا ہے, اور بہترین گلوکارہ کو کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی کئی بار انہوں نے اپنے نام کروایا. جناب ان کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو بتایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے, معروف دانشور, کالم نویس, صحافی بھی تھے منو بھائی, آج ان کی پہلی برسی ہے. منو بھائی کے حوالے سے بھی, ان کے سفر کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک پیکج ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے, جیون لئی مرنا پیندا ہے. معروف کالم نگار, ادیب, شاعر, صحافی اور سندس فاؤنڈیشن کے سرپرست منو بھائی اب ہم میں نہیں رہے. منو بھائی کے نام سے شہرت پانے والے منیر احمد قریشی 6 فروری 1933 کو اسٹیشن ماسٹر محمد عظیم کے گھر پیدا ہوئے. 1954 میں صحافت میں قدم رکھا اور 50 سال سے زائد شعبہ صحافت کی خدمت میں صرف کر انہوں نے ملکی معیشت اور مسائل کو کھنگالنا اور اجاگر کرنا اپنا مسلک بنا لیا. بے باکی اور دیانت سے ایسے شاندار کالم لکھے کہ جدید راشد الخیری کا خطاب پایا. گربان کے عنوان سے شائع ہونے والے کالم نے قارئین کے ذہنوں پر انمٹ نقوش چھوڑے. صرف کالم نویسی ہی نہیں, ڈرامہ نگاری میں بھی منو بھائی کا جدا گانا مقام ہے. ان کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریز سونا چاندی کو آج بھی غیر معمولی شہرت حاصل ہے. ساتھ میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. قطرے میں دریا کے عنوان سے مرتب کتاب ان کی آخری تحریر ہے. درد مند دل رکھنے والے منو بھائی سماجی کاموں میں بھی پیش پیش رہے. تھلسیمیا سے لڑتی ننی جانوں کے لیے قائم کردہ ادارہ سندس فاؤنڈیشن کئی معصوم زندگیوں کو بچا چکا ہے. چوراسی برس کی عمر میں منو بھائی گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. جی منو بھائی کے حوالے سے ہم نے آپ کو پیکج دکھایا, ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.